तो क्या 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से रेल सेवा फिर से बहाल हो सकती है? इसका जवाब फिलहाल बहुत कठिन है, पर अगर अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो यही लगता है कि रेल सेवा का इतनी जल्दी बहाल होना मुश्किल है। और ये इस बात को सपोर्ट करने के लिए ये ट्वीट्स, जहां कोरोना संक्रमित लोग ट्रेन्स में बिना किसी परवाह के ट्रैवल करते रहे। ये सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं है, बल्कि अन्य ट्रेनों में भी यात्रा कर रहे पैसेंजर्स में कोरोना पॉजिटिव आया था। अभी हाल में ही एक खबर आई थी कि कोई कोरोना पॉजिटिव पैसेंजर लखनऊ से जौनपुर तक ट्रेन में ट्रैवल किया, और जिस ट्रेन में वो ट्रैवल किया वो थी वरुणा एक्सप्रेस, जो एक इंटरसिटी टाइप ट्रेन है वाराणसी से कानपुर वाया लखनऊ के बीच। मुद्दे की बात ये है कि पहले तो जब कोई पैसेंजर फॉरेन से आता था तो नॉर्मली वो एसी क्लास में सफ़र करता था, क्योंकि जो लोग एयर टिकट को अफोर्ड कर सकते हैं वो रेलवे के अपर क्लास में ट्रैवल करेंगे, और जनरली अपर क्लास में ज़्यादा क्राउड नहीं होती है। पर अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि लोग लोअर क्लास में भी लोग ट्रैवल करने लगे थे, लोग एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि शरीर से निकला पसीना किसका है। ऐसे में इस वायरस के फैलने की संभावनाएं कितनी बढ़ जाती है। और एक बात और यहां देखने वाली है कि लॉकडाउन होने के बाद भी, कर्फ्यू होने के बाद भी, लोग धड़ल्ले से बिना किसी संकोच के घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सिचुएशन यही रही तो क्या आपको लगता है कि 1 अप्रैल से रेल सेवा बहाल हो पाएगी? अभी भी लोग अलग अलग राज्यों में लॉक्ड हैं और अपने होम स्टेट में जाने के लिए तड़प रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है ये मालगाड़ी में ट्रैवल करते हुए लोग। तो सोचिए, जैसे ही ये खबर मिलती है कि 1 अप्रैल से फिर से ट्रेन सेवा बहाल हो रही है, तो भीड़ के उमड़ने की संभावनाएं कितनी ज़्यादा होगी। और अभी जिस हिसाब से हर दिन कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि 1 अप्रैल से फिर से रेल सेवा बहाल होगी। हाँ, अगर ये जो भी 6-7 दिन है हमारे पास, अगर हम सख्ती से गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करें तो शायद कुछ ट्रेनों का संचालन हो सकता है, पर वहाँ भी निगरानी की जाएगी, स्क्रीनिंग होगी। पर ये तभी हो पाएगा जब हम अनुशासन में रहें। एक बात और ऑफ टॉपिक बात है कि अभी जब हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल सेफ हैं और इसीलिए लापरवाही बरत रहे हैं। पर याद रहे, जिस दिन आपको कोई छोटा मोटा जुकाम, सर्दी, बुखार हो गया ना, उस दिन आप बस यही दुआ करोगे कि हे ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, मुझे बस इस बार बचा लो, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए तो जो गवर्नमेंट कह रही है उसका पालन करें। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट आपकी सहायता ज़रूर से करेगी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।